हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम किन्नौर। और आज हमारी किन्नौर ट्रिप का दिन है दूसरा। तो भाई साहब, डे टू का प्रोग्राम चालू हो चुका है। अभी हमारा प्लान बना है भावा वैली जाने का। मेरे साथ पीछे बैठा है पंकु भाई, बाइक में हनी भाई, और एक हमारे साथ गाड़ी राजकमल भाई। तो रात को मैं इस रोड से आया था और बाइक भी मस्त चल रही थी। मतलब कि यहाँ पे मेरे को कोई 10 किलोमीटर में कोई भी गाड़ी नहीं मिला। कैंची आई है ऊपर तक। तो अभी जा रहे हम भावा वैली, और टापरी से कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर पीछे है ये। बहुत ऊपर आ गया हम यार, पतला पतले रोड, और यहाँ से अगर कोई नीचे गिरा तो वो समझो सीधा। मजा भी आ रहा है, डर भी लग रही है ना, एक्साइटमेंट वाली। क्या देख रहे हैं यार, वाटर क्रॉसिंग आ गया भाई साहब। क्या मस्त झरना यार। खतरनाक रोड है यार, यहाँ बहुत खतरनाक रोड है। नहीं, अगर कटिंग गलत होगी ना बंदे से तो बंदा नीचे नहीं ऊपर पहुंचेगा डायरेक्ट। देखा नीचे को, जो यहां से गया वो तो खत्म। ओ यार, पीछे इतना बड़ा वैली है, नीचे देख कितना सा लगता था नहीं, कहां जा रहे हैं भाई साहब। यही डैम है जिसके लिए हम आए हैं इतना दूर से देखने के लिए। पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और ये डैम। ओ यार, अल्टीमेट अल्टीमेट ब्रदर। पैसा वसूल राइड भाई, मजा आ गया। सोचा था नीचे इतना बड़ा वैली होगा पीछे। तो फाइनली हम बाबा वैली में अभी काफनू में पहुंचे हैं। हमारे भाई लोग सारे, और भाई लोग यार कुछ तो इंटरेस्टिंग करो, सारे सुस्त होने के बाद इतना टाइम बाद घूमने को मिला, कुछ तो हेलो आए, कुछ तो अलग करो। तो अभी हम ये भावा वैली के प्रोजेक्ट को देखने आए थे, और ये वाला क्या बोलते हैं यार, रिजर्वायर टाइप है, और इधर से भी एक पेन स्टॉप दिख रहा होगा आपको, ये वाला है। ये बोल रहे थे राजू भाई अपने, बोल रहे थे कि यहाँ से पिन वैली के लिए भी एक ट्रैक बनता है इधर, इस वाली वैली से होके। तो कभी समय लगा तो हम फिर उधर भी जाएंगे। बाकी अभी यहाँ से हम वापस जाने की सोच रहे हैं। अभी अपने 390 आए तो अकेले थे जाने के लिए, पर यार दोस्त मिल गए तो इन्होंने कहा हम भी चलते हैं, आज छुट्टी कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कल की भी छुट्टी थी, आज इन्होंने छुट्टी ले ली और कल की छुट्टी है संडे की। देखो सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। बुरी हालत। चलो यहाँ का प्रोग्राम समाप्त, फिर अगला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली भावा वैली को छोड़ के अब हम जा रहे हैं वापस सांगला वैली। बाकी इतना सोचा नहीं था कि मैंने इतनी खुली वैली होगी यहाँ पे आके। बिल्कुल नीचे से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी वैली में जा रहे हैं, पर ऊपर आके नज़ारे, ड्रोन होता तो ड्रोन से आपको इस वैली के बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते। चलो देर सवेर वो भी आ जाएगा। एक तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी है। चलो लद्दाख के लिए पक्के हो रहे हैं। अंडुलेशन है ना इन रोडों में बड़ी। अंडुलेशन का तो टेंशन नहीं, पर हवा है यहाँ पे इतनी ना कसम से इस वाले पोर्शन पे। तो पहले हम अभी भावा वैली को क्रॉस करके घूम फिर के आ चुके हैं, और अभी जा रहे हैं हम सांगला वैली की ओर। और अभी समय हो गया है 2:08, पता नहीं अब कितना दूर है, कितना टाइम लगता है। चलो मिलते हैं सांगला वैली पे, उधर ही हमारा लंच वगैरह का इंतजाम करके रखा है हमारे पंकु भाई ने। ये
फ्लड आया था ना पहले सड़क की तरफ से थी, इस साइड से और सारा इधर से बह गया, और क्या बोलते हैं लैंडस्लाइड हुआ ना, हां तो ये ऊपर से सारी स्लाइड हो गया पूरा, फिर उसके लिए टेंपरेरी पहले खड्डा बनाया था, फिर उसके बाद मैंने तो बना नहीं लगाया। अच्छा ये है स्लाइड पूरा टोटली, ये उड़नी ढांक है, ये कौन सा ढांक, उड़नी ढांक, उड़नी ढांक तो सारा ही आ गया नीचे, सारा आ गया नीचे। वहां पर बना दिया सांप कुरचम बग टू डैम, बैठे रहना ना, इस रोड को इतना ब्लॉग में देख चुका हूँ मैं, कईयों के ब्लॉग में देख चुका हूँ मैं, पता नहीं कितनी बारिश पे हर बार इच्छा करती है किस बार आऊंगा मैं, तो फाइनली वेलकम टू तुपका वैली। कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा, देखो सेब के बगीचे ऊपर चोटियां, वो यार चोटियां कसम से हर कुछ ही, वेलकम टू सांगला, कौन सा अच्छा पूछते इनको सर, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस, ठीक है थैंक यू। वाह ये तो फाइनली सांगला पहुंच गए, मैं पंकु भाई पहुंच गए पहले, बाकी दूसरे जो राजकुमार और हनी भाई है वो थोड़ा देर में आ रहे हैं, तब तक हम अपना थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं भाई। ये आंसर है, ये हंसता रहता है इसका बस, ओके भाई बस खत्म, ओके भाई चलो, वेलकम वेलकम। कहाँ गया हनी, कहाँ गया हमारा,